यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ जो है वो तैयार हैं, बिल्कुल जो है अचार के लिए रेडी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। यहाँ हमने एक सॉसपैन ले लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, और एक ये वाला जो कप है हमारे पास, चाय वाला छोटा, ये हम सिरका ले रहे हैं, सफ़ेद सिरका जो नॉर्मली आप हर जो है वो शॉप से आपको मिल जाता है, वो डाला है। और जितना हम जो है वो सिरका डाल रहे हैं उतना ही हम उसमें ये पानी डाल रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ अगली इसमें जाएगी वो है हमारे पास अदरक। ये छोटे साइज़ की अदरक थी, इसको हमने छोटे छोटे स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, वो इसमें डालेंगे, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर जो है वो उसका आएगा। अगली चीज़ जो आएगी ये है मेथी दाना, यानी कि मेथरे जिन्हें बोलते हैं साबत, वो डालेंगे एक टीस्पून, बहुत अच्छा। दूसरे ऑयल वाले अचार में भी और सिक्के वाले में भी इसका बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर और टेस्ट आता है। अगली चीज़ है ये, एक टीस्पून हमने जो है वो राई दाना लिया है, यानी सरसों के बीज। ये दो तरह के मिलते हैं बाज़ार से, एक पीले कलर में होते हैं और एक ये ब्लैक कलर में होते हैं, जो उनसे भी आपको मिलते हैं इसीलिए आप वो डाल लें। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है एक टेबल स्पून हमारे पास चीनी, क्योंकि सिरके का जो फ्लेवर और टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उसको बैलेंस करने के लिए सिरके वाले अचार में चीनी लाजमी जाती है, और एक प्रजर्वेटिव का काम भी करती है ये, इसको ज़्यादा से तक जो है अचार को महफूज रखेंगे तो उसमें भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नमक। वैसे तो सिरके वाले अचार में नमक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिरका ऑलरेडी जो है नमकीन होता है, लेकिन इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, इसको टेस्ट लाने के लिए नमक हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल रहे हैं। तो हमने इसे इतना पकाना है कि एक इसको जोश आ जाए अच्छी तरह से, जो है सीड्स का फ्लेवर भी जो है पानी में चला जाए। यहाँ इन्हें पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह इसका कलर देखें अब चेंज हो चुका है, दोनों चीज़ों मसालों का जो है फ्लेवर पानी में और सिरके में जा चुका है। तो यहाँ हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये इस तरह का एक शीशे का जो है वो जार ले लिया है, अच्छी तरह धोकर इसको हमने ड्राई कर लिया हुआ है। तो अभी जो हमने अपनी सब्जियाँ काट के रखी हैं वो डालेंगे, बाद पहले हमने गाजर डाली है, मूली डाली है, और अब हम इसमें जो है खीरे डालेंगे, तो इसके बाद जो है वो हरी मिर्चें डालेंगे, इसके बाद हरा प्याज डालेंगे, इसके बाद गोभी, इसके बाद हम ये लेमन डालेंगे, इसी आखिर में फिर जो है वो हम गाजर डाल रहे हैं, खीरे के 2 स्लाइस डाल रहे हैं। सारी सब्जियां इसमें डाल दी हमने, सारी सब्जियां जो है हमने बोतल में रख ली हैं। अभी ये गरम गरम जो हमने तैयार किया हुआ है सिरके वाला पानी गरम गरम इसके ऊपर डालेंगे, और ये जो अदरक है ये भी इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल डिप हो जाए वह इस पानी में हो गया है। तो ये देखें जनाब,
बहुत ही खूबसूरत हमारा जो है वो सिरके वाला अचार रेडी है। इसे हम जो है वो इस तरह एयर टाइट करेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे इसे जो है वो ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए बिल्कुल। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 साल तक जो है वो ख़राब नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, और जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है ना, इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।